उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपेंद्र शुक्ला एक मिलनसार एवं जनप्रिय नेता थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए आजीवन राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करते रहे। उनके निधन से पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता और जनता ने एक सच्चा हितैषी खो दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए स्वर्गीय शुक्ला के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और इसी क्रम में सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि पूर्वांचल के कद्दावर नेता बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के संगठन के कार्य अनुभव में जाने और पहचाने जाने वाले प्रखर वक्ता मेरे बड़े भाई उपेंद्र दत्त शुक्ल का निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि उपेंद्र दत्त शुक्ला जो हम सबके भी मार्गदर्शक रहे हैं, उन्हें ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस अपार दुख को सहने की सहन शक्ति आपके परिवार को प्रदान करे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रखर नेता जो अपने शब्दों के लिए जाने जानते थे, जिन्होंने जमीनी तौर पर काम किया, जिन्होंने पार्टी के एक मात्र ऐसे मृदुभाषी जो पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते थे, उपेंद्र दत्त भाई भैया कहतरनी उनका से। और मेरी परसों बात हुई थी, परसों मेरा अचानक मन हुआ था उनसे बात करने के लिए और हमने उनको फोन किया था अर्ली मॉर्निंग 8:39 o'clock। तो प्रणाम हुआ, उन्होंने कहा और आशीर्वाद दिया, बोला हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, कबो तू चिंता मत करिए। हम बोले नहीं बस अपन का ठीक बड़ा, बोला आप ठीक हैं? तो बोला हम ठीक है, और क्षेत्र वगैरह का पूरा ध्यान देते और बड़े अच्छे से हमेशा आशीर्वाद देते थे, मार्गदर्शन देते थे उपेंद्र भाई। और आप चले गए अचानक, ये क्वाइट शॉकिंग। परसों सुबह हम आपसे बात किए, बहुत दुखद क्षति हुई भारतीय जनता पार्टी को, पूर्वांचल के कद्दावर नेता को आज हमने खो दिया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान गोरखपुर नहीं पूरे पूर्वांचल का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अद्भुत सैनिक थे। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष में बिताया, पूरा जीवन वो लड़ते रहे। भगवान से, महादेव से, गोरक्षनाथ बाबा से ही प्रार्थना है कि उनकी